सो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आज की न्यू न्यूज। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी 13C 5G मोबाइल दोस्तों, आप उसमें लैंग्वेज एंड भाषा चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, आपको लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर देना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सो होने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन लेना है। स्क्रॉल डाउन लेने के बाद आपको यहाँ पर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिट नेशनल सेटिंग। दोस्तों आपको सिंपली इसी ऑप्शन पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लैंग्वेज एंड इनपुट। आपको सिंपली उस सिलेक्शन पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लैंग्वेज। दोस्तों आपको सिंपली लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। शो होने के बाद दोस्तों मेरे में इंग्लिश में, दोस्तों आपके फ़ोन में जितनी भी लैंग्वेज या भाषा होंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों अब मेरे में इंग्लिश में, तो हिंदी में करना है तो हिंदी में करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों हिंदी वाली दोस्तों भाषा आपको यहाँ पे सर्च लिंक से टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे कर देना। ओके वाले ऑप्शन के करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे सक्सेसफुल लैंग्वेज चेंज हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में लैंग्वेज एंड भाषा चेंज कर पाएंगे। वीडियो सुन दे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक के मिलेंगे वीडियो में।